देशित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात के 8 बजे आपके साथ में अमन चोपड़ा। आज 18 सितंबर है, 18 सितंबर वो दिन जब आज से 4 साल पहले भारत में उरी अटैक हुआ था। आज का ही दिन था और इस हमले के बाद भारत ने दुश्मन को घर में घुसकर मारने का रास्ता देखा था। 2016 में आज ही के दिन उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आज हम आपको दिखाएंगे भारत अंदरूनी दुश्मनों से लेकर चीन पाकिस्तान पर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। इसके अलावा 8:25 पर प्लान डिपसांग पर बोफोर्स स्ट्राइक और यूपी में धर्मांतरण पर योगी स्ट्राइक शुरुआत उसके साथ। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का किसानों को भरोसा, कहा जारी रहेगी सरकारी खरीद, विरोध करने वालों को बताया बिचौलियों का समर्थक। कृषि बिल की तनातनी, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड तक आई, नेहरू और गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से हंगामा, चौथी बार रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। यूपी में लव जिहाद पर रोक के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, धोखे से धर्म बदलवाने के खिलाफ जद लगाया जा सकता है धर्मांतरण विरोधी कानून, नौवा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। गलवान की हार पर 95 दिन बाद चीन का कबूलनामा, ग्लोबल टाइम्स ने आखिरकार माना चीन के सैनिक भी मारे गए थे, चीन का कबूलनामा, लेकिन भारतीय शहीदों से कम बताई अपनी संख्या। चीन को अब अमेरिका का झटका, चाइनीज मोबाइल ऐप टिकटॉक और वीचैट ऐप पर रविवार से अमेरिका में भी पाबंदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। बिहार का सपना 86 साल बाद पूरा, पीएम मोदी ने किया कोसी महासेतु का उद्घाटन, 17 साल पहले अटल जी ने रखी थी नींव, प्रधानमंत्री ने कहा सुविधा का साधन बनेगा ये सेतु। दिल्ली में स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद, हाईकोर्ट का स्कूलों का आदेश, गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दे इंटरनेट और गैजेट्स, राज्य सरकार से ले सकते हैं खर्च का पैसा। सुशांत ड्रग्स केस में 62 सैमुअल और दीपेश सावंत की बेल पर 29 तक टली सुनवाई, एनसीबी ने 5 और ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, पेडलर राहिल का बॉलीवुड से भी कनेक्शन। महाराष्ट्र में पालघर के संतों को 155 दिन बाद भी नहीं मिला इंसाफ, साधुओं को न्याय के लिए सीबीआई जांच की जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी। कोरोना काल में कल से आईपीएल का तड़का, जी न्यूज पर सीजन के 53 दिन, बैट बॉल और बच्चा पार्टी, आईपीएल मसाला अनलॉक रोज शाम 7 बजे। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।